नमस्कार, आर के चंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बेली बूट लेकर आई हूँ जो देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में बहुत सरल है। ये छोटे बच्चों के भी बन जाते हैं और बड़ों के लिए भी। मैंने 4 साल के बच्चे के लिए बनाया है। 3-4 साल के बच्चे से आराम से आ जाएगा। ये देखने में बहुत सुंदर है और सरल है। ये नीचे से शुरू होता है, ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से मैंने सिलाई की हुई है और नीचे से ये मैंने शुरू किया था। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये मैंने 5 फंदे डाल लिए हैं। 5 फंदे डाल के मैंने सीधी सीधी सिलाई है, सीधे तरफ से भी उल्टी तरफ से भी सीधी सीधी सिलाइयाँ ही आएंगी। दोनों तरफ से सीधी सीधी हमने सिलाइयाँ बुननी है। दोनों तरफ से सीधे सीधे ये हमारी ये वाली जहाँ से शुरू करेंगे, और ये हमने 13 सिलाइयाँ डाली हुई हैं। ये 13 हमने डाल के मतलब 26 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ये हमने यहाँ तक बनानी है। ये मैंने बना ली है और ये हमारी 13 सिलाइयाँ डाल के मैंने इसको पूरा कर दिया। अब आगे हम आगे देखो क्या करना है। ये 13 बन गई हैं पूरी। पहले फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके जाली ना पड़े एक फंदा बढ़ा, दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बढ़ाते जाना है दोनों तरफ से। ये ध्यान रखना जाली ना बढ़े। इसको बुनने के लिए सीधा ऐसे घुमाकर बुनना है। इसको ऐसे उतार के इसको ऐसे करके ऐसे कर लो, इससे हमारी जाली नहीं डलेगी। हर सिलाई में हमने ये फंदा बढ़ाना है। दोनों तरफ से हमने फंदा बढ़ाना है। एक और सीधी उल्टी सिलाई में सीधी मैंने बुन लिया, आगे फिर दूसरी सिलाई में एक और आपको फिर बता दिया। उल्टी सिलाई में नहीं बढ़ाना, सीधी सिलाई में ही बढ़ाना है। ये 5 फंदे थे, 5 फंदों से हमने बढ़ाकर 19 फंदे कर लेने हैं। जी देखो 5 फंदों से हमने एक एक फंदा बढ़ाकर हमारे 19 फंदे हो गए हैं। दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बढ़ाया है। जे मैंने 16 सिलाइयाँ डाली है। 8 जे सीधी सीधे है, 16 सिलाइयाँ और 8 जे सीधी सीधे आ गए। फिर हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब अब हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाने हैं। एक है सिंपल, एक और आपको फिर बताती हूँ। सिंपल 1 2 2
तीन, चार और पांच। बहुत ध्यान से बुनना कि जो फंदा ढीला होता है ना, साथ साथ ही बुनना है। पांच हमने इधर भी डाल दिया, पांच उधर भी बढ़ाने हैं। फिर पांच फिर हमने इधर बढ़ाने हैं। एक, दो, तीन, चार और पांच। अपने बच्चे के हिसाब से आप बना सकते हो, ज़्यादा और कम फंदे डाल सकते हो। ये 4 साल के बच्चे के, 3-4 साल के बच्चे का। अब हमने बीच बीच में फंदे और बढ़ाने हैं। एक फंदे के हमने दो दो फंदे कर लेने हैं। ये बड़े के बनाने हो तो लगातार एक हर फंदे के ऊपर आपने दो दो फंदे बना लाए हैं। जब मैंने छोटे बच्चे के बनाया इसलिए मैंने एक छोड़कर एक के दो, एक छोड़कर एक के दो किए हैं। एक छोड़कर एक के दो, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, आगे से एक पीछे से, एक सीधा, एक एक आगे से पीछे से, एक सीधा, एक सिंपल बुन लेना, एक के दो कर लेने। जो आपने बड़े के बनाने हैं तो फिर आपने हर फंदे को दो दो कर लेना। हर फंदे के, बड़ों के हर फंदे के दो दो कर लेना, छोटे के बस एक फंदा सिंपल बुन लेना, एक के दो कर लेने। उल्टी सिलाई सारी सीधी जाएगी। अब हमने इसका डिज़ाइन बनाना, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, जैसे बॉर्डर बुनते हैं ना वैसे। ये नीचे का हिस्सा हम बना रहे हैं, दो सीधे दो उल्टे, ये वाला बना रहे हैं हम। ये हमने बना लिया, ये वाला बना रहे हैं। जहाँ तक हमने पूरा बनाना है, उसके बाद दूसरा हिस्सा बनाना दिखाऊंगी आपको। दो सीधे दो उल्टे,
जी मैंने बना लिया जी। मैंने 30 सिलाइयाँ डाली हैं, आप अपने बच्चे के हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हो। अब हमने नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। ऐसे हमने नाप के बच्चे का देख लेना, बच्चे का पैर के हिसाब से आप बना ले सकते हो। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। पहले 5 फंदे हमने बंद करने, पांच फंदे बंद करने के बाद फिर हमने जैसे बढ़ाए थे एक फंदा सिंपल बुन लेना, दो का एक करते जाना, एक सिंपल फिर दो का एक, एक सिंपल फिर दो का एक। एक सिंपल दो का एक। ये मेरे फंदे थोड़े से गड़बड़ हो गए थे इसलिए मैं ऐसे उल्टा रही हूँ, वैसे नहीं उल्टाने, दो का एक, एक सिंपल, एक दो का एक। एक सिंपल दो का एक। आपने नहीं उल्टाना फंदा, मेरे थोड़े गड़बड़ होने का कारण ना ऐसे हो गया था। एक सिंपल बुनना, दो का एक करते जाना। इधर से भी हमने फिर 5 फंदे सिंपल बुन लेने हैं क्योंकि दूसरी तरफ से हमने 5 फंदे इकट्ठे बंद करने हैं। अब इधर से 5 फंदे इकट्ठे हम बंद कर देंगे। पांच फंदे हमने उल्टी सिलाई पूरी सीधी आ जाएगी। अब हमने दो का एक करते जाना, जितने हाँ दोनों तरफ से एक एक फंदा बंद करते जाना। पहले 5 फंदे थे, फिर उसके मैं 19 किए, फिर मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा बंद करते जाना। पहले मेरे 5 थे, फिर मेरे 19 किए मैंने, फिर मैंने 44 किए। करके फिर मैंने उसको जैसे बढ़ाए थे इधर से उधर 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 से कम कर दिए। ये मेरा पूरा बन के तैयार हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे सिंपल धागे, सिंपल जैसे हम स्वेटर बंद करते हैं वैसे ही बंद कर देना।
वो सरल तरीके से। ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये बन के तैयार हो गया। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों तरफ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। थोड़ी थोड़ी सिलाई होगी इसमें। सिंपल जैसे हम स्वेटर सीते हैं ना, वैसे ही सीना है। सिंपल जैसे हम सिलाई करते हैं वैसे ही सिलाई करनी है। दोनों तरफ से सिलाई करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे दोनों बनके तैयार हो गए। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत पहनने में आसान तरीके से बच्चे का डाल सकते हैं हम। अपने बच्चे हिसाब से आप जितने छोटे बड़े बना सकते हो। थैंक यू।